हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सलजम के फ़ायदों के बारे में, जो कि दमा, खांसी या फिर गला बैठने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो सलजम में बहुत सारे पोषक तत्व तो होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें विटामिन और कई खनिज तत्व तो होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन यदि अब मैं बात करूँ दमा या खांसी जैसे रोगों की, तो इसमें भी सलजम का प्रयोग किया जा सकता है और ये इसे ठीक में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। फ्रेंड्स, यदि आपको दमा, खांसी या इस तरह की कोई भी समस्या है, जैसे कि गला बैठना या आवाज़ ना निकलना, तो इसके लिए आप सलजम का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि आपको इसका किस तरीके से प्रयोग करना है। सलजम को आपको पानी में उबाल लेना है। आप चाहें तो इसे काट कर छोटे छोटे पीस ले लीजिए और फिर इसे पानी में उबाल लीजिए। फिर इस पानी को आपको छान लेना है और छानने के बाद उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी मिला लेनी है। चीनी मिलाने के बाद आप इसे पीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो दमा के रोगी हैं, उनको भी इस पानी को पिलाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके साथ ही यदि किसी को खांसी चल रही है, तो खांसी जैसे रोगों को दूर करने में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जिन लोगों का गला बैठा हुआ है या आवाज़ नहीं निकल रही है, तो इस तरीके के रोगों को ठीक करने में भी ये काफ़ी कारगर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।